सुपर 30 आप देख रहे हैं। आप बात करेंगे देश और दुनिया की सुपर 30 खबरों की। सबसे पहले बात संसद के शीतकालीन सत्र की, जिसका आज दूसरा दिन है और आज भी सदन में संविधान पर चर्चा होगी। संसद में शीतकालीन सत्र के पहले दो दिन सिर्फ बाबा साहब पर चर्चा के लिए रखे गए हैं और आज आखिरी में पीएम मोदी संविधान पर अपना जवाब देंगे। शीतकालीन सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री ने सदन को संवाद का सबसे बड़ा केंद्र बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वाद विवाद और संवाद संसद की आत्मा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें खुशी है कि सभी दल सकारात्मक वाद विवाद और संवाद पर सहमत हुए हैं। सदन से बड़ा कोई संवाद का केंद्र नहीं हो सकता। वाद हो, विवाद हो, संवाद हो, यही संसद की आत्मा है। बाकी कामों के लिए तो पूरा देश का मैदान अवेलेबल है और मुझे खुशी हुई कि सभी दलों ने वाद विवाद और संवाद के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है और मुझे आशा है कि देश संसद के पास जो अपेक्षा कर रहा है, हम सभी सांसद मिलकर के उस अपेक्षाओं को पूर्ण करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। शीतकालीन सत्र के पहले दिन लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान दिए अपने बयान पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सफाई दी है। खड़गे ने कहा कि मेरे कहने का मतलब कुछ और था। नहीं, मैं वैसा वो अर्थ में नहीं कहा। मेरा ये था उद्देश्य कि अगर इस संविधान को बदलने की, अमेंडमेंट का सवाल नहीं है, इस संविधान को अगर बदलने का, रिप्लेस करने का अगर कोई प्रयास किया तो उसी लिए इस देश में रक्तपात हो सकता है। तो ये बात मैं इसलिए कहा कि आज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को रखना है तो संविधान, ये संविधान को सेफ रख के हम सबको काम करना है। कल संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विवादित बयान दिया था। खड़गे ने कहा था कि अगर देश के संविधान को बदलने की किसी ने भी कोशिश की तो रक्तपात हो जाएगा। इससे पहले राजनाथ सिंह ने लोकसभा में बयान देते हुए संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द पर सवाल उठाते हुए कहा था कि धर्मनिरपेक्षता शब्द का दुरुपयोग हुआ है। इस संविधान को हम सब मिलकर बचा के रखना है, इसकी हिफाजत करना है। इसकी रिव्यू की बात मत करो। अगर रिव्यू की बात अगर कोई करे या इसको, इस कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की कोशिश अगर कोई करे तो रक्तपात होगा, ये याद रखिए। नहीं, क्योंकि जब एनडीए गवर्नमेंट थी उस वक्त डंका चलाया। खड़गे के बयान पर केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने फिर जवाब देते हुए कहा था कि हम संविधान का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं और धमकी से काम नहीं चलेगा। खड़गे जी बहुत सर सीनियर है, अनुभवी है, मगर वो बोलते बोलते तो वाक्य जो बोला उन्होंने, रक्तपात। आप देख लीजिए रिकॉर्ड में, देखिए। एक मिनट सर, वी हर्ड यू फॉर 1 hour 5 minutes। We heard you patiently for 1 hour 5 minutes. That is a tolerance. My point is very simple, sir. धमकी देना, रक्तपात कहना, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम में नहीं है। और धमकी से कुछ होगा नहीं। हमने देखा भी 1975 में क्या हुआ धमकी देने से, लोगों को याद है अभी भी। कृपया सीनियर नाते ऐसा शब्द प्रयोग नहीं करना, ये मेरा विनती है उनसे। रक्तपात। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा कि संविधान में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। स्पीकर ने लोकसभा की कार्यवाही के रिकॉर्ड से खड़गे के शब्द रक्तपात को हटाने का आदेश दिया। भावना में आके आपने बोला होगा कि रक्तपात होगा या कुछ, कोई बोलने की जरूरत नहीं है, इसलिए प्लीज उसको निकाल देंगे। हम
चोरी। अभी कोई ऐसा विषय ही नहीं है, क्यों इतने उत्तेजित होते हो? लोकसभा में कल गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सेक्युलर शब्द का औपचारिक अनुवाद है पंथ निरपेक्ष, इसलिए पंथ निरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए और इसकी जगह धर्म निरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि देश को गुमराह करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। सेक्युलर शब्द का जो औपचारिक अनुवाद है वह है पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष नहीं। भारत का धर्म ही स्वयं में पंथ निरपेक्ष है, स्वयं ही भारत का धर्म अपने में स्वयं, इसलिए इस हकीकत को भी वह समझते थे, इसीलिए उन्होंने सेकुलर शब्द का प्रयोग खड़गे साहब भारत के प्रियंबल में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने नहीं किया। वह उस समय भी बहुत सारी पूजा पद्धतियां थी, उस समय भी बहुत सारे देवी देवताओं को मानने वाले, उनके प्रति आस्था रखने वाले लोग यहां पर थे, लेकिन उन्होंने इस शब्द का प्रयोग नहीं किया। यदि बोलचाल की भाषा में सेकुलर शब्द का प्रयोग जो प्रायः धर्म निरपेक्ष किया जाता है, तो मैं अध्यक्ष महोदय आपसे पूछना चाहता हूं, आपके आसन के ऊपर भी धर्म चक्र प्रवर्तन आय लिखा है, इसका मतलब इसे भी निकाल देना चाहिए। हमारा यह निवेदन है, इस सदन के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि धर्म निरपेक्ष शब्द का प्रयोग बंद होना चाहिए। सेकुलर का औपचारिक अनुवाद है तो पंथ निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष इस शब्द का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। देश अथवा समाज को गुमराह करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कल संविधान दिवस के मौके पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने असहिष्णुता को लेकर अभिनेता आमिर खान को जवाब दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का उदाहरण देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि उपेक्षा के बावजूद बाबा साहब ने कभी देश छोड़ने की बात नहीं कही। देहरादून में नारी निकेतन के संवासिनियों के साथ दुराचार के मामले में अब एसआईटी को शुरुआती जांच में कई अहम सबूत मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी को शुरुआती जांच में नारी निकेतन के मैनेजमेंट में तमाम तरह की खामियां मिली हैं। एसआईटी ने नारी निकेतन में तैनात सुरक्षा कर्मियों और कर्मचारियों के बयान दर्ज किए हैं। हालांकि एसआईटी के अधिकारी इस मामले में खुलकर कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा में द दिल्ली राइट ऑफ सिटीजन टू टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज अमेंडमेंट बिल 2015 पास हो गया है। इस बिल के पास होने से अब दिल्ली के लोगों को तय सीमा के अंदर सरकारी सेवाएं हासिल करने का अधिकार मिल गया है। बिल के मुताबिक हर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर सिटीजन चार्टर उपलब्ध कराया जाएगा। बिल में कहा गया है कि सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट्स, स्थानीय निकाय और पब्लिक अथॉरिटी ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर खास तौर पर काम करें। बिल में अधिकारियों पर जुर्माने का भी प्रावधान है। सिटीजन चार्टर के मुताबिक अगर लोगों को तय सीमा के अंदर सर्विस नहीं मिलती है तो मुआवजा दिया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में सिटीजन चार्टर बिल पास होने पर इसे करप्शन के खिलाफ बड़ी जीत बताया है। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में आज आप विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। दरअसल अखिलेश पति पर 2013 में दंगा भड़काने के मामले में आदर्श नगर थाने में केस दर्ज हुआ था। गुरुवार को कोर्ट में लेट आने और पिछली डेट पर ना आने के कारण अदालत ने उन्हें 2 दिन के लिए जेल भेज दिया। प्रताप सिंह बाजवा ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। सोनिया गांधी ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष हो सकते हैं। पार्टी नेता शकील अहमद ने कहा है कि पार्टी के पंजाब अध्यक्ष के नाम का ऐलान जल्द किया जाएगा। पंजाब विधानसभा का चुनाव 2017 में होना है। इस कमेटी के अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा जी ने और जो हमारे विधायक दल के पंजाब के नेता हैं सुनील जाखड़ जी, दोनों ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को अपना त्यागपत्र समर्पित किया है कि और अगर पंजाब कांग्रेस में आगे फेरबदल होना है उसी को ध्यान में रख के उन्होंने अपना दोनों ने रिजिग्नेशन दिया और कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी ने उसको स्वीकार कर लिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह हमारे काफ़ी सीनियर लीडर हैं और भी हमारी सीनियर लीडर हैं, अंबिका सोनी जी हैं, बट्टल जी हैं, बहुत से सीनियर लीडर हैं हमारे पंजाब में। उनसे विचार विमर्श करके एक आध दिन में हम लोग और जो रिशफल होगा वो उसकी जानकारी आपको देंगे।
2017 के विधानसभा चुनावों को लेकर उत्तराखंड में बहुजन समाज पार्टी ने अभी से ही ताल ठोक दिया है। इसी सिलसिले में कल बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के प्रभारी नसीमुद्दीन सिद्दीकी हरिद्वार पहुंचे, जहां हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर राज्य और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ धरना दिया, सूबे में अपना शक्ति प्रदर्शन किया। सिद्दीकी ने 2017 के चुनावों में किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करने की बात कही, साथ में दावा किया आगामी चुनाव में बीएसपी बहुमत लाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बहन कमला दीक्षित का निधन हो गया। देर रात 11:45 पर कमला दीक्षित ने आगरा में अपने निवास स्थान पर आखिरी सांस ली। वो 87 साल की थी। आगरा के जयपुर हाउस स्थित अपने निवास स्थान में वो रह रही थी। कमला दीक्षित पिछले 6 महीनों से बीमार चल रही थी। कमला दीक्षित के 2 बेटे और 1 बेटी है। बताया जा रहा है आज आगरा के ताजगंज स्थित मोक्ष धाम में कमला दीक्षित का अंतिम संस्कार किया जाएगा। शीना बोरा मर्डर केस में मुंबई की कोर्ट ने पीटर मुखर्जी की सीबीआई कस्टडी 30 नवंबर तक बढ़ा दी है। पीटर मुखर्जी को वापस मुंबई से दिल्ली लाया गया है। पीटर की कल पेशी के दौरान सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि शीना के मर्डर के पीछे पैसों का बड़ा लेनदेन हो सकता है। सीबीआई के मुताबिक तफ्तीश में पता चला है कि सिंगापुर में एचएसबीसी बैंक में शीना के नाम एक अकाउंट है जिसमें पैसे ट्रांसफर हुए हैं और यह हत्या की वजह हो सकती है। राजस्थान में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर चल रही मिलिट्री एक्सरसाइज में करीब 50,000 जवान हिस्सा ले रहे हैं। जैसलमेर और बाड़मेर के 400 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में हो रही इस एक्सरसाइज को बाजगीत नाम दिया गया है। सेना के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में सैनिक किसी युद्धाभ्यास का हिस्सा बने हैं। ये एक्सरसाइज पूरी तरह नेटवर्क सेंट्रिक है, जिसे मोबाइल और जमीनी वॉर रूम से ऑपरेट किया जा रहा है। इस एक्सरसाइज में आर्मी जमीन से जमीन पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल का भी ट्रायल कर रही है। दिसंबर के पहले हफ्ते में इस अभ्यास का सबसे बड़ा प्रदर्शन होगा, जिसमें आर्मी चीफ भी हिस्सा ले सकते हैं। वेस्टर्न फ्रंट पे इंडियन आर्मी अब तक की सबसे बड़ी एक्सरसाइज बाज गति कर रही है। पिछले 2.5 महीने से ये एक्सरसाइज चल रही है और इसमें लगभग 50,000 से ज्यादा का ट्रूप्स भाग ले रहा है और नेटवर्क सेंट्रिक वॉर गेम है ये सारा। और इसमें पहली बार ये हो रहा है कि ब्रह्मोस जैसी मिसाइल है उसके हिट और उसके ट्रायल हो रहे हैं, इसमें उसके फायर किए जा रहे हैं। और ये मतलब संभवतः इंडियन आर्मी के इतिहास में ये सबसे बड़ा वॉर गेम माना जा रहा है अब तक का। माउंट एवरेस्ट विजेता और पद्मश्री अरुणिमा सिन्हा का एक और सपना साकार होने जा रहा है। अरुणिमा द्वारा स्थापित शहीद चंद्रशेखर आजाद निःशक्त खेल एकेडमी का शिलान्यास रतन टाटा आज उन्नाव में करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। उन्नाव में 1 साल पहले अरुणिमा सिन्हा ने विकलांग लोगों के लिए कृत्रिम अंग बनाने और एक खेल एकेडमी बनाए जाने का प्रस्ताव समाजसेवी उमाशंकर दीक्षित के सामने रखा था। उन्नाव के बेथर निवासी उमाशंकर दीक्षित ने अरुणिमा फाउंडेशन संस्था को लिम्ब रिसर्च सेंटर और खेल एकेडमी बनाने के लिए 16 बीघे जमीन दान कर दी थी, जिसके बाद से उन्नाव के ग्रामीण इलाकों की खेल प्रतिभाओं को निखारने के साथ ही विकलांगों के लिए सस्ती दर पर कृत्रिम अंग उपलब्ध कराने के लिए अरुणिमा ने प्रयास तेज किए थे। यहाँ पे अरुणिमा फाउंडेशन के द्वारा, जो जिसकी सचिव अरुणिमा सिन्हा खुद हैं, उनके द्वारा चंद्रशेखर आज़ाद विकलांग खेल एकेडमी के नाम से और एक प्रोस्थेटिक लिम्ब रिसर्च सेंटर, दोनों चीज़ें उनके द्वारा बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसकी फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी 27 तारीख को प्रस्तावित है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री एवं श्री रतन टाटा दोनों के आने की संभावना बताई जा रही है। दिल्ली पुलिस ने कैश वैन से 22.5 करोड़ रुपए लूट के आरोपी ड्राइवर प्रदीप शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया है। प्रदीप को दक्षिण दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके से गिरफ्तार कर लूट की रकम भी बरामद कर ली है। गुरुवार को प्रदीप गनमैन को चकमा देकर कैश वैन लेकर फरार हो गया था। वैन में 9 बक्सों में करीब 22.5 करोड़ रुपए भरे थे। पुलिस प्रदीप से पूछताछ कर रही है। अंबेडकर नगर में स्वाट टीम और पुलिस की संयुक्त छापेमारी से अवैध देशी शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। 26 पेटी देशी शराब, पैकिंग मशीन और 2 ब्रांड्स के भारी संख्या में रैपर बरामद हुए हैं। साथ ही इस छापेमारी में टीम ने 3 लोगों को मौके से पकड़ा है।
जबकि फैक्ट्री का मुख्य संचालक फरार होने में कामयाब रहा। खास बात यह है, अकबरपुर पुलिस चौकी से कुछ ही दूरी पर यह फैक्ट्री लंबे समय से चल रही थी और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं थी। वोट के लिए नोट और नशा का फंडा अब नहीं चलेगा। मथुरा की छाता तहसील के कोसीकला के दहगांव के मतदाताओं ने कहा है कि जो प्रधान पद के प्रत्याशी नशाबंदी का समर्थन करेगा, गांव वाले उसी प्रत्याशी को वोट करेंगे। शराब बंद किए जाने की मांग को लेकर अब लोग खुलकर सामने आने वाले गए हैं। प्रधानी के चुनाव में भी लोगों ने अब इसका खुलकर विरोध शुरू कर दिया है। हरियाणा यूपी बॉर्डर पर स्थित मथुरा के कोसीकला इलाके में दहगांव है। यहाँ के लोग नशाखोरी के विरोध में लामबंद होकर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। गांव कमेटी ने पंचायत करी कि भाई हमारे गांव में से शराब बंद करो। शराब बंद कर दी। बंद करने में एक दो पकड़े गए तो उन पर 51,000 दंड करी। और बाकी जो गांवों में गिरारियन में डोलते फिरे भोकरा बना लिए पी के, उन पर भी 1100 दंड करी। और सभी ने पंचायत करके इकट्ठे होकर के जो भी यहाँ पर दारू बेचते थे उनको दंडनीय किया, उनसे दंड लिया गया। और अब यहाँ पर हमारे यहाँ पर इलेक्शन का माहौल चला हुआ है और सभी बुजुर्गों ने ये किया है कि जो भी प्रत्याशी यहाँ पर दारू बांटेगा उसे हम वोट नहीं करेंगे। और जो हम मतलब यहाँ पर दारू बांटने से मतलब यहाँ दारू नहीं बांटेगा उसका हम समर्थन करेंगे और वोट देंगे उसे। कानपुर में एक लड़की ने अपने ही परिजनों से जान का खतरा बताया है और पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। बताया जा रहा है एक लड़की ने दूसरे धर्म के युवक से शादी की। इस फैसले से लड़की के परिवार वाले इतने नाराज हो गए कि वो अपनी ही बेटी की जान के दुश्मन बन गए। लड़की का अब आरोप है, स्थानीय पुलिस भी उसके परिजनों से मिली हुई है, उससे प्रताड़ित कर रही है। लड़की ने भी आरोप लगाया है कि हाईकोर्ट से सुरक्षा के आदेश लाने के बावजूद पुलिस मदद नहीं कर रही है। प्रेमी जोड़े ने अब आईजी आशुतोष पांडे से सुरक्षा की गुहार लगाई। आईजी ने सारे कागजात देखकर सुरक्षा का आश्वासन दिया है। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप अगली सुपर 10 खबरें आप तक पहुंचाते हैं। ग्रेटर नोएडा की बात करते हैं जहां से आगरा तक बने यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसे आम हो गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक इस एक्सप्रेसवे पर प्रतिदिन 2 से 3 हादसे होते हैं और इन हादसों पर रोक लगाने के मकसद से अब यातायात पुलिस ने एक पहल शुरू की है, जिसके तहत टोल प्लाजा पर यातायात पुलिस ने तेज रफ्तार पर अंकुश लगाने के लिए चेकिंग अभियान शुरू किया है। इसमें यातायात पुलिसकर्मी एक्सप्रेस वे पर लगे स्पीड कैम की मदद से निर्धारित गति से तेज गति से आ रही गाड़ी को रोक कर उसका चालान करते हैं। केदारनाथ घाटी में हेलीकॉप्टर के जरिए सामान पहुंचाने से रिकंस्ट्रक्शन के काम में तेजी आ गई है। हेलीकॉप्टर के नीचे रस्सी के सहारे सामान को लटकाकर पहुंचाया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक गौरीकुंड से केदारनाथ के बीच 600 किलोग्राम सामान को हेलीकॉप्टर से ले जाने में समय और पैसे दोनों की बचत हो रही है। शादी समारोह में परिजनों और मेहमानों को कपड़े बर्तन देने की परंपरा तो है ही, लेकिन नीमच के रहने वाले शिवराम पाटीदार ने अपने बेटे की शादी में अनूठी मिसाल पेश की है। परंपरागत प्रथा को छोड़ परिजनों और मेहमानों को हेलमेट उपहार में दिया। शिवराम पाटीदार ने दुर्घटनाओं से बचाव के मकसद से लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए सभी को हेलमेट उपहार देने का फैसला किया। इस अनूठी पहल की शादी में आए सभी लोगों ने जमकर सराहना भी की। मेरे विचार से मैं यही चाहता हूँ कि महिलाओं को भी मैं सबसे ज़्यादा सम्मान देता हूँ कि सब महिलाओं के भी हेलमेट लगे, बच्चों के और जो भी टू व्हीलर पर बैठे और सफ़र करें तो सबकी सुरक्षा। एक समय एक्सीडेंट कब हो जाए ये कुछ कहा नहीं जाता है। शिमला में ढली टनल से सटे पहाड़ पर इन दिनों बहुमंजिला इमारतें खड़ी की जा रही हैं, जो सुरक्षा के लिहाज से बेहद खतरनाक है। जानकारों के मुताबिक भूकंप के जैसे हालत में स्थिति और भी खराब हो सकती है, लिहाजा भवनों के निर्माण पर रोक लगाए जाने की अब जरूरत है। आपको बता दें कि साल 1870 में ब्रिटिश काल के दौरान इस टनल का निर्माण किया गया था और उस वक्त टनल से सटे इस पहाड़ पर हरे भरे पेड़ नजर आते थे, लेकिन मौजूदा वक्त में आज यहाँ बड़ी बड़ी इमारतें ही नजर आ रही हैं। वेस्ट मिदनापुर में हाथियों के झुंड में किसानों के 100 एकड़ से ज्यादा खेत में पूरी फसल बर्बाद कर दी है। करीब 70 हाथियों की टोली ने फसल और सब्जियों को तहस नहस कर दिया है। किसानों ने मशाल जलाकर हाथियों को किसी तरह भगा दिया।
और यहाँ एक और छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद अगली सुपर फाइव खबरें आपको दिखाएंगे।